दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द का प्रयोग भारतीय उद्देशिका में किया गया है, प्रस्तावना में किया गया है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर हमारा संविधान ही समाजवाद को एप्लीकेबल कराने की बात करता है तो देश हो या प्रदेश हो, सभी ने इसका बखूबी निर्वहन किया है। लेकिन एक जगह पे लाइक मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की अगर आप स्ट्राटा देखें तो जो तृतीय एंड चतुर्थ वर्ग हैं, तृतीय में लिपिक वर्ग जैसे है एंड चतुर्थ वर्ग क्लासेस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी आर्थिक स्थिति या फिर उनकी कंडीशन पुअरेस्ट रहती है, लेकिन उनको किसी भी तरह से समाजवाद का लाभ नहीं दिया जाता। मतलब एक तरफ जहाँ गवर्नमेंट समाजवाद में फ्रीबीज प्रोवाइड करती है, फ्री के असिस्टेंट देती है, फाइनेंशियल हो, मेडिकल हो, कैसा भी असिस्टेंट हो, गरीब तबके हो, लेकिन वहीं पे जो उसके ही घर में काम कर रहे होते हैं, जो उनके लिए ही काम कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लाइक लिपिक वर्ग एंड बाबू चपरासी बोल लीजिए, जैसे भी बोलना हो, तो इनको इग्नोर किया जाता है। इनकी हालात बद से बदतर है। जिस आधार पे समाजवाद एप्लीकेबल होता है तो कहीं ना कहीं सरकार समाजवाद एक तरफ तो निर्वहन कर रही है आम लोगों के साथ, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उसी के लिए, उसके साथ कहीं ना कहीं दो मुहा की नीति रहती है। तो सरकार से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ गुजारिश करते हैं कि जो तृतीय एंड चतुर्थ वर्ग एम्प्लॉयज़ हैं, खासकर जिनका ग्रेड पे तृतीय वर्ग में कम है लाइक बाबू और लिपिक क्लासेस और फोर्थ क्लासेस, इन सभी को जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन सभी को समाजवाद नीति के तहत आप शामिल करिए, आप उनको इंक्लूड करिए। बिकॉज आज जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रही है या फिर जो भी आप पक्स प्रोवाइड करते हैं बकाया और एम्प्लॉयज़ को, तो वो कहीं ना कहीं एक भेदभाव की नीति क्रिएट हो जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बीच एंड गवर्नमेंट ऑफिसेज में, जिसकी वजह से रियलिटी ये है कि वहाँ का जो प्रोडक्शन है या फिर वर्क क्वालिटी है आप बोल सकते हैं, उसमें पूरा इम्पेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को एक इक्वालिटी की नीति अपनानी चाहिए, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको समाजवाद के तहत उनको असिस्टेंट किया जाना चाहिए जो लोअर तबके के एम्प्लॉयज़ हैं, एंड सेम उसी तरह से एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए जैसा कि आम जन में जो गरीब लोग रहते हैं उनको तरह तरह की स्कीम्स का फ़ायदा दिया जाता है, इसी तरह से गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी समाजवादी नीति के तहत उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा दिया जाए।